नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। राष्ट्रहित के नाम शिक्षा, हर बहन हर भाई का एक ही मेरा उद्देश्य, एक ही मेरा मोटिव, आपका सिलेक्शन, सरकारी सीट में सिलेक्शन। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा, आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे एनवायरनमेंट के लगभग 25 से 30 टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे, और हर बहन हर भाई से एक ही मेरा कहना होगा कि चिपक कर बैठ जाना है और क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देना है, ठीक है ना। वीडियो बहुत सुपर फास्ट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। हम जब जीरोक्स कराने जाते हैं मार्केट में, तो हमें एक गैस का यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम्स में कि भाई जब वो जीरोक्स होता है तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन। तो राइट आंसर चल जाएगा ओजोन। ओजोन क्या है सर? ओजोन का सिंबल होता है O3 की बात करते हैं, ठीक है। O3 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया है? O+O2, यानी ये ऑक्सीजन का रूप है और इसको O3 कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ओजोन परत को अगर मापने के लिए ओजोन वर्ड आया है तो ओजोन परत से भी जोड़ दिया। ओजोन वर्ड आया है तो ओजोन परत की मोटाई, यानी ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉप्सन का यूज करते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष की बात कर रहा है, किस प्रतीक यानी कि इस पशु को लिया गया है, किसके रूप में? प्रतीक के रूप में लिया गया है, सिंबल्स की बात कर रहा है सर। यहां पर भालू ऑप्शंस में है, जिराफ है, हाथी है, पांडा है। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बहुत अच्छे बेहतरीन गाइस। आपके दिमाग में जो जा रहा है, जो क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पांडा हो जाएगा। ये पांडा क्वेश्चन एक और आता है कि पांडा ये जो है किस कुल का है, तो ये किस कुल का है? ये है आपका भालू कुल का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, पशु वन्य जीव का प्रतीक, जी हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हर बहन हर भाई किसी भी राज्य से है, मुझे अपना राज्य कमेंट करें और अपना सुंदर सा शहर कमेंट करें, साथ में अपने चैनल परिवार यानी गुरुजी परिवार का जरूर हिस्सा बने, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी यहां पर नोटिफिकेशन हर क्लास सुबह से लेकर शाम तक मिलती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा मेरे भाई। सब जो करते हैं मैं वो नहीं करता और ना करना चाहूँगा, ठीक है। नहीं तो उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा? आप पैसे देकर अगर पढ़ेंगे तो फिर मेरे लिए ये बहुत ही घृणित वाली बात होगी। तो इसलिए पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए शिक्षा इम्पोर्टेंट है, आपका सिलेक्शन सर्वोपरि। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? यूपी, MP, राजस्थान, बिहार। तो बच्चा बच्चा जानता है कि मध्य प्रदेश की बात होती है गाइज, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है इस समय। और हमें आपको कमेंट करना है, गूगल से खोज के बताना है आपको, इतनी आपको मेहनत जरूर हम दे रहे हैं, हमने आपको पहले डिस्क्रिप्शन क्लास में पढ़ाया भी है कि हमें ये आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में वर्तमान में टाइगर की संख्या क्या है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है वन की ज़्यादा तादाद है, और परसेंटेज के हिसाब से भारत में वन मिजोरम में पाए जाते हैं। ये भी हम रोजाना डिस्कस कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। ये विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है आपको बताना है, फटाफट बता देना है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो गाइस अगर हम बात करें विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है, बच्चे करें न्यूयॉर्क में है, स्विट्जरलैंड में है, न्यू दिल्ली में है, या फिर नैरोबी में है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई स्विट्जरलैंड की बात हुई है, जी हाँ सर, स्विट्जरलैंड की बात हुई है। तो स्विट्जरलैंड के साथ आंसर चला जाएगा। अच्छा, एक और दिमाग में आ रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, मैंने बार बार आपको बताया स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है, इसको भी आप नहीं भूलना है। WHO की बात करें तो जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के। WMO विश्व मौसम संगठन की बात करें तो वो भी जिनेवा में है, ठीक है ना। और WTO का एक और मुख्यालय आपको पता रखना है, WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो विश्व व्यापार संगठन, ये भी आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष किशमिश है, खजूर है, पपीता है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। खजूर एक ऐसा पौधा है, ऐसा फल है, जो ऐसा वृक्ष रखा जाता है हमारे एग्जाम्स में। एग्जाम हमेशा क्वेश्चंस बनता है, जब भी आप एनवायरनमेंट के तरफ जाएंगे तो पेड़ पौधे से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पेड़ पौधे यानी वृक्ष की बात कर रहा है, तो ये खजूर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर बढ़ने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे,
पृथ्वी अत्यधिक तप्त हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जब भी सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे यहाँ हानिकारक किरणें आती हैं तो क्या होता है, अर्थ पर सारी किरणों का यानी सभी किरणें जो है वापस नहीं हो पाती हैं। यानी 100% अगर किरणें आई हैं तो 100% वापस होनी चाहिए, तो क्या होता है परतों के माध्यम से रोक ली जाती हैं। तो जब किरणें गर्म होती हैं तो जब पृथ्वी पर रुकेंगी तो ये बताओ पृथ्वी ठंडी होगी या गर्म होगी, तो पृथ्वी हमेशा गर्म होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर आप हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2-3 यानी दोनों के साथ चले जाएंगे। ये राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पृथ्वी तप्त होगी तो ग्लेशियर पक्का पिघलेंगे, और ग्लेशियर की बात करते हैं तो ध्रुवों पर ग्लेशियर होते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th की बात करेंगे, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित होते हैं। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन, हाँ जी बहुत अच्छे। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित होते हैं, अंतः वायुमंडल में, वह वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। जब भी हम निर्मित, देखिए मानव के द्वारा यानी कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम सैटेलाइट की बात हो रही है, उपग्रह की बात हो रही है। हम जब भी बात करते हैं सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है जो स्थिर है। क्या सूर्य स्थिर है या अस्थिर है, सूर्य हमेशा स्थिर है, अपनी जगह पर है, कभी भी वो डगमग नहीं होता है। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह कहते हैं। मानव के द्वारा जो निर्मित उपग्रह होते हैं वो बाह्य वायुमंडल में रखे जाते हैं, ठीक है, राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और क्षोभ मंडल की बात आए तो क्षोभ मंडल में सारी मौसम परिवर्तनीय घटनाएं होती हैं, तूफान, आंधी और ओला, वर्षा, है ना, चक्रवात। समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ता है, और इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में, जापान में, भारत में, या फिर केन्या में। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स, अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कहाँ पर स्थित है, और एक क्वेश्चन बना था पिछले साल कि कौन से शहर में स्थित है। मतलब पहले देश इंपॉर्टेंट है, देश को तो जानो पहले, फिर तो उसके अंदर जाओगे ना, उसके शहर में। तो सबसे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1st के साथ चला जाएगा, अमेरिका की बात होती है। और अमेरिका के कहाँ पर है सर, अमेरिका के विस्कॉसिन शहर में है। कहाँ पर है सर, विस्कॉसिन शहर में है, अच्छी तरीके से याद रखना है। अमेरिका में है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स, और शहर अगर पूछे तो विस्कॉसिन शहर है अमेरिका का, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, विस्कॉसिन है, विस्कॉन्सिन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ठोको लाइक भैया, हर बहन हर भाई, क्या लास्ट में ही ठोकोगे लाइक, जी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आगामी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिस ना हो। बहुत अच्छा गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी वन की अकादमी कहाँ पर स्थित है। ये मैंने क्वेश्चंस कराया भी है, दो बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का आंसर गलत आया, तो मैंने कहा एक बार फिर से करा देता हूँ। भोपाल में, अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली में, देहरादून में। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जब क्वेश्चंस गलत ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, उसको लिख लिया जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिपिकल लगे कि मुझे याद नहीं रहेगा, मेमोरी हमारा 2-4 दिन ही रहेगा, और उसके ज़्यादा नहीं रहेगा, लिमिट समय तक नहीं रहेगा, यानी अनलिमिट समय की बात करें, तो राइट आंसर उसको लिख लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पर देहरादून हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वानिकी की बात आई तो मेरे दिमाग में आया कि विश्व वानिकी दिवस का भी एक क्वेश्चन डालते हैं, देखते हैं बच्चे आंसर कर पाएंगे। विश्व वानिकी दिवस, यहाँ से मैं आपके 4 क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा, और चारों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपको रटा दिए पहले से, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उनको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च हो जाता है। इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये इन्वायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने आपसे कहा 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को होता है जल दिवस होता है। हमने कहा आपसे कि 22 मार्च को जल दिवस होता है, आंसर तो आपका इसका ये वाला हो गया। दूसरा, 22 मार्च को जल दिवस होता है तो इसमें एक महीना और जोड़ दो तो हमारे पास आ जाता है 22 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस होता है, इसमें एक महीना और जोड़ दो हमारे पास आ जाता है 22 मई, तो 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस। तो जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 21 मार्च जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व वानिकी दिवस। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग क्या है, वीडियो को कुछ स्क्रीन को थोड़ा सा हम करते हैं छोटा, और हम देखते हैं ऑप्शंस पर। कार्बन डेटिंग क्या है, यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। क्या अंतर की बात करता है कि कार्बन डेटिंग, यह प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि है। क्या कार्बन डेटिंग एक राशि है, यह ऋण गरीबों को आधुनिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है। क्या स्टोव खरीदने के लिए ही कार्बन डेटिंग है। भैया मेरे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा आपका, यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति
और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच में अंतर, यानी ये देशों से रिलेट करता है कि किस देश में कार्बन उत्सर्जन की दर क्या है और उनके बीच जो है उत्सर्जन का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से एनवायरनमेंट में हर साल ये चेक करा जाता है कि किस देश में किस तरीके से क्या परसेंट वृद्धि हुई है कार्बन डेटिंग में, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, देखिएगा उड़ा दोगे, बहुत सिंपल है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या कौन सी है, डायरिया, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस या बहरापन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या क्या होगी, बहुत अच्छे गाइस। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक और पूछता है ये ग्रीन मफलर क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर भी आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, देखिएगा अगर हम बात करें पृथ्वी का 29% हिस्सा किससे ढका हुआ है, स्थल, हवा, बादल, जल। देखो अगर हम आपसे बात करें तो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर हम आपसे कहें 71 और 29 कितना होता है तो आप कहोगे 9 1 10 होता है, 7 2 9 यानी 100% होता है। आपसे कहूँ 71 और 29 लिखने का मतलब क्या है, 71 का मतलब होता है 71 पृथ्वी पर क्या जल है और 29 पृथ्वी पर क्या है स्थल है, यानी हम आपसे कह सकते हैं स्थल मंडल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, 29% हमारा ढका हुआ है स्थल से, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, पर्यावरण के जैविक कारक है, पर्यावरण के जैविक कारक है, बहुत अच्छा गाइस, बेहतरीन। पर्यावरण के जैविक कारक है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। देखिएगा जैविक की बात करें तो दोस्तों ये सभी आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। एनवायरनमेंट में कुछ कारक होते हैं जो क्या होते हैं, जो होते हैं बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बात करें कि एबायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, अजैविक में कौन कौन से आ जाएंगे, आप कहोगे ताप, दाब, मृदा, जो मैंने रोज डिस्कस करा है। लेकिन यहाँ पर बायोटिक में कौन आ जाएंगे, जैविक में कौन आ जाएंगे, जैविक में आ जाएंगे आपके जीवाणु आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे आपके, और जितने भी लिविंग थिंग्स में है पेड़ पौधे जीव जंतु वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 इकोटोन क्या है। इकोटोन यहां पर मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराया है। संक्रमिका इकोटोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह दो अलग अलग परिस्थितियों प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, यह दो एक जैसी परिस्थिति प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, यहाँ प्रजातियों की संख्या बहुत कम होता है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिएगा इकोटोन का मतलब क्या होता है कि जब भी एक क्षेत्र हो और दूसरा क्षेत्र हो, आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में, इकोटोन वो होता है जब एक क्षेत्र घास का मैदान है, एक क्षेत्र कुछ मैदानी इलाका है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो कॉमन थिंग्स है, कॉमन जो है, कॉमन पोर्शन है, वो आपका इकोटोन कहलाता है, संक्रमिका कहलाता है। तो यह दो अलग अलग, मतलब एक मैदानी क्षेत्र था तो एक हमने लिया था घास क्षेत्र, ठीक है, तो दो अलग अलग का जो संगम बिंदु, संगम बिंदु का मतलब क्या होता है, संगम बिंदु का मतलब होता है मिलान। तो हमने कहा ये वाला जो पार्ट है ना कॉमन, ये पार्ट जो है ये अलग मैदानी क्षेत्र है, ये आपका घासी क्षेत्र है, या कुछ भी ले लो, या एक घास क्षेत्र ले लो, एक वन क्षेत्र ले लो, तो ये जो बिंदु है ना संगम बिंदु, यही क्या है आपका, यही संक्रमिका कहलाता है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया गाइस, चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, यहां पर क्लासेस आपको परमानेंट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको हम कराते हैं बिना ऑप्शंस का, एक ही क्वेश्चन कराएंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दी है, ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दी है, बहुत बढ़िया, ठोको लाइक, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जोसेफ फोरियर ने दी है, क्या सर, जोसेफ फोरियर ने दी है, बहुत अच्छे गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, यहां पर ऑप्शंस की बात करेंगे कि कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, बताओ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहां पर गाइस कह रहा है कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बच्चे जल्दी आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर शिमला वाला चला जाएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को फटाफट लिख डालिएगा, नोट डाउन, क्वेश्चन सभी नहीं लिखने हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन क्लास आती है, मैं रोजाना व्याख्यात्मक क्लास भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। और आज ही हुई है सुबह, देखी है आपने कि नहीं हुई है, जी हाँ, हाँ जी, बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं और बहुत सारी व्याख्यात्मक क्लास भी करा रहे हैं, इसलिए रुकने का नाम नहीं है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का एक उद्देश्य से आपका सिलेक्शन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है,
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली और बेंगलुरु, शंघाई, अहमदाबाद। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है गाइस? बहुत अच्छे, जल्दी से बताएंगे कमेंट। बहुत गलत बात है, गलत कमेंट आ रहे हैं, गलत कमेंट। ऑप्शन नंबर कोई दे रहा है, बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। भाई एक कमेंट बताओ कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस बार। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू के साथ, बेंगलुरु के साथ चला जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तोड़िएगा, धुआं धुआं करिएगा। सलीम अली कौन थे? सलीम अली कौन थे? सलीम अली कौन थे? पशु वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक मनोविज्ञान, एक मनोवैज्ञानिक। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट है थे क्या? क्या यहाँ पर पशु वैज्ञानिक थे? तो बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू, और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू के साथ, पक्षी वैज्ञानिक थे, एक पक्षी विशेषज्ञ थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, विज्ञानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर विज्ञानी के साथ, पक्षी विज्ञानी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, ग्लोबल 500 किससे संबंधित है? ग्लोबल 500 क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देने, ग्लोबल 500 क्या है? ग्लोबल 500 आपसे अगर पूछा जाए क्या है, कौन सी चीज़ है, कौन सी बला है, तो ये क्या है? ये पुरस्कार है। ठीक है, क्या है ये? सर पुरस्कार है। अब ये कौन सा पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको बताना है। वन्य जीव में दिया जाने वाला बेहतर पुरस्कार, यानी केवल अगर वन्य जीव की बात करें तो क्या केवल वन्य जीव में दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्लोबल 500? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित दिया जाने वाला पुरस्कार है, मानवता के लिए पुरस्कार है, या विज्ञान के लिए पुरस्कार है? अब यहां से दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू के साथ चला जाएगा। केवल लग गया है तो केवल यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा तंत्र से संबंधित जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो ग्लोबल 500 पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टू इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर? टू इज राइट आंसर। विज्ञान के लिए आप दिया जाता है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड आप जानते हो, कहीं ना कहीं बच्चे बताएंगे क्या संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड देते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू के साथ चला जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं बिना ऑप्शन का। आई एस ओ 14001 क्या है? ISO 14001 क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ये जब भी आप कहते हो कि एक नंबर नहीं होता ISO करके डॉट डॉट कुछ भी दे दिया, तो एक ISO 14001 भी नंबर है। ये क्या है? ये आपका पोल्यूशन से रिलेट करता है, प्रदूषण से रिलेट करता है, और प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, जो यहाँ पर क्या है, प्रदूषण नियंत्रण की बात करता है। अभी सभी SMS आने होते हैं मेरी स्क्रीन पर, है ना, तो सारे स्क्रीन पर अभी एकदम से SMS आने होते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं होता है, कभी कभी नेट यहाँ पर ऑन होता है आपकी वीडियो के लिए, लाइव क्लास के लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 22, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर कहाँ है? जीरो पर सबसे ज़्यादा है। भारत में कहाँ है? भारत में केरल में है। केरल में कहाँ पर है? शांति घाटी में है। शांति घाटी कहाँ है? भारत के केरल शहर में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। तो सारे क्वेश्चन धुआं धुआं हो गए और सभी क्वेश्चन आपको आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जय हिंद सभी को। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 23 एक लेते हैं बिना फिर ऑप्शंस का, बिना ऑप्शंस की बात करेंगे। 23, 24, 25 की बात करेंगे। देखिएगा 23, 24, 25 की बात करेंगे और लास्ट वीडियो, लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं अपन लोग। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मीठे पानी की कल्पसर योजना? क्या हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है? तो देखिएगा यह परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। क्या मीठे पानी, एनवायरनमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहां पर? खंबात की खाड़ी में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? देखिए गुजरात ये वाला पार्ट में लगता है। कहां पर लगता है मैं एक बार और बता देता हूं। गुजरात कहां पर लगता है सर जी? ये वाला पार्ट में लगता है। ये वाला पार्ट आपका पश्चिमी इलाका है, तो ये खंबात की खाड़ी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो भी होगा क्लियर कर लेना। एक और लेते हैं बिना ऑप्शन का सवाल कि अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन
ले लो गंगा, ऑप्शंस ले लो गंगा भैया, ऑप्शंस ले लो दामोदर ले लो, ऑप्शंस ले लो कावेरी ले लो, ठीक है, ऑप्शंस ले लो चंबल ले लो, बताओ। और एक और ऑप्शन ले लो यमुना ले लो, पांच ऑप्शन, गंगा दामोदर कावेरी चंबल यमुना, गंगा दामोदर कावेरी चंबल यमुना। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो भैया राइट आंसर दामोदर के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ है, अब गलत नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? जल्दी से कमेंट करेगा, बहुत अच्छे बेहतरीन। अब इसका ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, बताइएगा। ठोको लाइक भैया, बहुत बढ़िया, गलत बात है, लाइक नहीं आ रहा है आपका, अनलाइक दे दिया, कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों का अनलाइक आ जाता है, कोई बात नहीं भैया, आप भी कर दिया करो, है ना, चाहे लाइक करो चाहे अनलाइक करो, कोई बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक पूछे क्या है, एक पोल्यूट पदार्थ है जो आपको क्या करता है, वायु को करता है, मृदा को करता है, किसको करता है, नहीं ये करता है जल को करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आर्सेनिक के साथ लगा देना। लाइकेन क्या है, लाइकेन वायु का सूचक है, वायु प्रदूषक का सूचक है। ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर आपका ध्वनि का प्रदूषक है। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक जल का प्रदूषक है। तीन पॉइंट याद रखना हमेशा जिंदगी में, ठीक है, याद रखिएगा। 25 का स्कोर क्या है? ठोको लाइक भैया, बहुत बढ़िया गाइज यहाँ पर, और पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छे पांच दोस्तों को शेयर करना, थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।